स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट स्टडी में। आज हम लोग पढ़े कक्षा 8 गणित अभ्यास 1G परिमेय संख्याएं भाग एक। इसका भाग एक पढ़ेंगे, भाग दो पढ़ेंगे तब जाके कंप्लीट होगा। थोड़ा सा बड़ा है चैप्टर ये, ठीक है। यहाँ पे पहला सवाल दिया हुआ है कि निम्नांकित युग्मों में प्रथम ठीक ना संख्या से दूसरी संख्या में से भाग दीजिए। प्रथम संख्या से दूसरी संख्या में क्या करना है, भाग देना है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा -8 और बट्टे में कितना कर लेंगे हम लोग 5, और इसमें क्या कर लेंगे माइनस, यहाँ पे 5/8 और यहाँ पे बीच में क्या कर लगा लेंगे हम लोग, भाग का चिन्ह लगा लेंगे। भाग का क्या कर लेंगे हम लोग, चिन्ह लगा लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे कर लेंगे 1/-, का यहाँ पे 10 दिया हुआ है तो ऊपर में माइनस का 10 कर लीजिए, आसान पड़ेगा। और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 10, ऊपर में कर लिए 10 तो यहाँ पे हो जाएगा 10, माइनस ऊपर कर लिए ना इसलिए यहाँ पे हो जाएगा 10। सिंपल सा है, देखते रहेंगे ऑटोमेटिकली आपको एकदम आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। अब क्या करना है, भाग में जब गुणा करते हैं तो ये ऊपर अपोजिट हो जाता है, तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा 8/ कितना हो जाएगा 5, और जब गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10, वो भी माइनस का क्योंकि माइनस ऊपर ही रहेगा, 8/ कितना हो जाएगा हमारा 1। 5 से इसको गुणा करेंगे तो 5×2 कितना हो जाएगा हमारा 10, वो भी माइनस में क्योंकि माइनस है, माइनस में माइनस गुणा हो जाएगा कितना हो जाएगा हमारा प्लस, ठीक है ना। और 8×2 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 16, तो इसका आंसर हो जाएगा प्लस का 16। अब देखिए इसमें दिया हुआ 18, तो 18 और भाग देना है तो भाग लगा देंगे, और यहाँ पे हो जाएगा -12/ कितना दिया 7, तो 7 जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 18 और गुणे यहाँ पे जाएगा 7/ हो जाएगा हमारा 12, वो भी माइनस में। यहाँ पे 6 से कटाएंगे 6×2=12, और 6 से 3 बार में कटाएंगे 3 बार में कट जाएगा, 3×7=21, मतलब यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो माइनस का कितना हो जाएगा 21, और 2 कितना हो जाएगा हमारा 2, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से इसमें दे दिया -8 और भागे का भाग का चिन्ह लगा देंगे, और यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाएंगे क्योंकि माइनस ऊपर चला जाएगा, तो 5/ कितना हो जाएगा हमारा 16, और जब ये भाग गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा चिन्ह मतलब अपोजिट हो जाएगा, मतलब 8 और गुणे यहाँ पे 16/ कितना हो जाएगा हमारा -16/ हो जाएगा 5, और 5 से तो कटेगा नहीं, तो 16 में 8 का गुणा करेंगे, तो 16 में 8 का गुणा करते हैं और उसके बाद 5 से इसको भाग दे देंगे। आप लोगों को बोले थे हम पहाड़ा याद करने के लिए, पहाड़ा किसको किसको याद है, जिसको पहाड़ा नहीं याद होगा ये नहीं कर पाएगा। 16 में 8 का गुणा करेंगे 16/128, माइनस में माइनस को गुणा करेंगे कितना हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा 128 और 2/ में कितना हो जाएगा हमारा 5। अब कुछ नहीं करना है, आप चाहें तो इसका फ्रैक्शनल वैल्यू मतलब कि भिन्न के रूप में लिखना चाहते हैं सही बट्टे के रूप में, तो सही बट्टे के रूप में लिख लीजिए। यहाँ से 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 5×10 और 5×25 और 3/ कितना हो जाएगा 5, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब नीचे में इसको भी आप चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पर 10 सही 1/2 हो जाएगा, इसको जब चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 सही 1/2, आप चेंज कर लीजिएगा या फिर इतना भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना, ये भी आंसर हो सकता है। अब देखिए इसका हम लोग चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल में दिया हमारा 65 मतलब माइनस में हो जाएगा, 2/ कितना हो जाएगा 14, और भाग का चिन्ह लगाने के बाद जब गुणा करते हैं तो ये उलट जाता है, मतलब 7/ कितना कर लेंगे -7/13 क्योंकि माइनस है, यहाँ पे 7 से कटा देंगे तो 7×2=14 और 13×5=65, 5 बार में कट जाएगा, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो 5 में यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस में माइनस को गुणा हो जाएगा कितना हो जाएगा प्लस, मतलब 5/ कितना हो जाएगा हमारा 2। अच्छा 5/2 को हम लोग फ्रैक्शनल मतलब कि सही 2/ बदलेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2×2=4 एक और 2/2, मतलब ये इसका आंसर हो जाएगा। आप इसको भी चेंज कर लीजिएगा ऊपर वाले सवाल को, दूसरे सवाल को, ठीक है ना। हमने तीसरा सवाल से चेंज कर दिया, वहाँ पे जगह कम है इसलिए हमने चेंज किया, ठीक है, कर लीजिएगा, सिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे कर लेंगे आप लोग। यहाँ पर हो जाएगा 5/12 और भाग का चिन्ह है तो भाग का चिन्ह लगा लीजिएगा, यहाँ पर -4/9 आप डायरेक्ट करना चाहें डायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 5/ कितना दे दिया हमारा 12, तो 12 कर लेंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पर 9/ कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। आप 3 से कटा सकते हैं, 3×3=9, 3×4 बार में कट जाएगा, और इसको गुणा करेंगे तो माइनस में प्लस को गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और 5×3 कितना हो जाएगा 15 और 2×4=4 कितना हो जाएगा 16, और इसका भाग नहीं जाएगा तो इसको हम लोग ऐसे छोड़ देते हैं। यहाँ छठा सवाल दिया हुआ हमारा 3/4 और यहाँ पे भाग लगाएंगे तो भाग हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा हमारा 9 और 2/1 रखते हैं, जब गुणा करेंगे तो ये अपोजिट हो जाएगा, मतलब 3/4 और गुणे यहाँ पे जाएगा 1/ कितना हो जाएगा 9, ये भी माइनस में, या 3×3=9 को कटाएंगे 3 बार में कट जाएगा, और गुणा कर लेंगे तो यहाँ पे 1×1 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे जाएगा -1 और 3×4 गुणा करेंगे तो यहाँ पे जाएगा 12, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल दिया हुआ है कि भाग की क्रिया करके बताइए कि निम्नांकित कथन सत्य है या असत्य, आपको सत्य अथवा असत्य बताना है आपको इसमें से।
तो आप क्या करिएगा सबसे पहले इसमें कि पहले दिया हुआ माइनस के यहाँ पर हो जाएगा एक बटे में आठ, और यहाँ पे अगर भाग है तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा चार बटे में तीन, ठीक है ना। चार से कटाएंगे, चार एकम चार और चार दुना के कितना हो जाएगा हमारा आठ। अब इसको जब गुणा करेंगे आप तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का एक बटे में और तीन दुना के छः, माइनस एक बटे में छः, और कोई भी नंबर क्या होता है एक परिमेय संख्या होता है, तो ये भी क्या है हमारा सत्य है, ठीक है ना। ये बोला है कि एक परिमेय संख्या है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सत्य, ठीक है ना। कुछ नहीं करना, बस सिंपल से करके इसको सत्य कर देना। अब देखिए इसके इक्वल, ये इक्वल है कि नहीं इसको चेक करना है, तो सबसे पहले इस साइड का करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा आठ माइनस आठ बटे में नौ, क्योंकि माइनस को ऊपर लेके गए हैं, गुणा कर लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा तीन बटे में कितना हो जाएगा हमारा चार, ये हो गया। अब यहाँ पे जस्ट इक्वल में, तो इक्वल में कर लेंगे, यहाँ पर जाएगा माइनस चार बटे में हो जाएगा तीन, और यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा गुणा कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का नौ और बटे में कितना हो जाएगा हमारा आठ। आप देखने से ही लगेगा कि ये इक्वल है कि नहीं। अब देखिए ये चार से कटाएंगे, चार दुना कितना हो जाएगा हमारा आठ, और यहाँ पे तीन से कटाएंगे, तीन तीन कितना हो जाएगा नौ, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस दो बटे में कितना हो जाएगा हमारा तीन, और इक्वल में यहाँ पे चार से कटाएंगे, चार दुना के आठ और तीन तीन कितना हो जाएगा हमारा नौ, या माइनस यहाँ पर हो जाएगा माइनस तीन बटे में हो जाएगा हमारा दो। ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है ना, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर जाएगा असत्य। क्या हो जाएगा? असत्य, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे तीसरा जो सवाल दिया हुआ है कि माइनस पंद्रह बटे में कितना दे दिया हमारा छप्पन, छप्पन कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, तो गुणा करेंगे तो यहाँ पे एक ही रहेगा, क्योंकि एक को ऊपर नीचे कुछ भी करें, इसके नीचे एक भी रहेगा तो क्या हो जाएगा एक ही रहेगा, और बराबर यहाँ पे दे दिया हमारा एक, और जब गुणा करते हैं तो वो उलट जाएगा, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 56, ये ऊपर चला जाएगा, तो छप्पन, ठीक है ना, छप्पन बटे में कितना हो जाएगा हमारा 15, वो भी किस चीज में, माइनस में, और यहाँ पे देखिए जब गुणा करेंगे तो यहाँ पे माइनस 15 बटे में कितना हो जाएगा हमारा 56, और इक्वल यहाँ पे हो जाएगा माइनस छप्पन बटे में कितना हो जाएगा हमारा 15, ये हो जाएगा 15। ये दोनों क्या है, इक्वल है क्या? नहीं ना, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा असत्य हो जाएगा, असत्य, ठीक है ना। भाग देंगे, करेंगे सॉल्व, अगर इक्वल आएगा तो सत्य, नहीं आएगा तो असत्य, उसी प्रकार से इसको करेंगे। अब करने के बाद देखिए इक्वल के बराबर वन आ रहा है क्या, अगर वन आ जाएगा तो सत्य, नहीं आएगा तो नहीं। यहाँ पे हो जाएगा माइनस का नौ बटे में कितना हो जाएगा हमारा 10, गुणा कर लेंगे तो यहाँ पे जाएगा 10 बटे में कितना हो जाएगा हमारा 9, ये 9 ऊपर ही रखेंगे, ठीक, अरे माइनस इसमें क्या करेंगे, ऊपर ही रखेंगे, ये 9 से कट जाएगा तो 9 एकम 9, 10 से ये कट जाएगा 10 एकम 10, मतलब यहाँ पे भी एक है और यहाँ पे भी एक है, दोनों माइनस है, तो माइनस से माइनस गुणा करेंगे कितना हो जाएगा हमारा प्लस, और एक में एक का गुणा करेंगे तो एक, मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा सत्य, ये क्या हो गया हमारा सत्य। तो इस तरीके से आप आराम से, ध्यान से और शांति से सुन सुन के करेंगे, आप दो बार तीन बार चार बार जितनी बार आप वीडियो देखेंगे उतनी बार आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। तो आप सावधानी से वीडियो को देखते रहिएगा और शेयर भी करते रहिएगा अपने दोस्तों में, ठीक है ना। ये नहीं कि अपने सिर्फ देख लीजिएगा, सबको बताते रहिए, सबको दिखाते रहिए, ठीक है ना। अब चलते हैं हम लोग इसके तीसरे सवाल पर। तीसरा सवाल दिया हुआ है कि सरल कीजिए। अब यहाँ पे दो बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा तीन, और यहाँ पे भाग है तो यहाँ पे हो जाएगा गुणे, यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा, ये गुणा जब होता है तो ऊपर चेंज हो जाता है, तो मतलब यहाँ पे हो जाएगा पांच बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा चार। अब ये देखिए दो एक कम दो और दो दिन कितना हो जाएगा हमारा चार, और जब गुणा कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, एक में पाँच को गुणा करेंगे पाँच हो जाएगा, माइनस में प्लस को गुणा करेंगे माइनस ही रहेगा, यहाँ पर हो जाएगा पाँच, और तीन में दो का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा हमारा छः, और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इसमें सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जाएगा माइनस का चार और बटे में एक कर लेंगे, जब इसको गुणा करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ऊपर में चला जाएगा पाँच और नीचे में चला जाएगा कितना हमारा, माइनस में ही रहेगा पाँच, और बटे में कितना हो जाएगा तीन। अब ये माइनस में माइनस को गुणा करेंगे कितना हो जाएगा हमारा प्लस, और चार में पाँच को गुणा करेंगे हो जाएगा बीस, और बटे में कितना हो जाएगा हमारा तीन। अब सरल करने की बात करते हैं, इनमें बदल देंगे, क्योंकि ऊपर वाला जब भी बड़ा हो जाए नीचे वाला छोटा हो जाए, तो भाग हम लोग किसमें करेंगे, सही बटे वाले रूप में कर लेंगे। तो तीन छक कितना हो जाएगा हमारा अठारह, और तीन छक अठारह हो जाएगा, और कितना बचेगा हमारा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा तीन छक अठारह दो बचेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा दो, और बटे में कितना हो जाएगा तीन, तो तीन कर लेंगे, और ये इसका क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तीसरा सवाल दिया हुआ हमारा, तो तीसरे सवाल में हमारा माइनस यहाँ पर हो जाएगा छः बटे में सात, और गुणा जब करते हैं तो इसके बटे में एक रखेंगे, मतलब एक ऊपर चला जाएगा, तो माइनस एक बटे में कितना हो जाएगा हमारा पंद्रह। अब देखिए कुछ कटने लायक है क्या, हाँ, तीन से कट जाएगा, तीन दुना के छः, माइनस में दो बचेगा, और तीन पचे पंद्रह, पाँच हो गया। अब देखिए दो का यहाँ पे एक में गुणा करेंगे तो दो एकम दो दो रहेगा, लेकिन माइनस में माइनस को गुणा करेंगे कितना हो जाएगा हमारा प्लस, मतलब दो एकम दो, ये दो हो जाएगा, बटे में सात में पाँच को गुणा करेंगे कितना हो जाएगा हमारा पैंतीस, तो यहाँ पर हो जाएगा दो बटे में पैंतीस, तो ये इसका क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ऊपर वाला वैसे भी छोटा है तो इसमें भाग जाएगा नहीं। अब चलते हैं हम लोग इसके अगले सवाल, चौथे सवाल। चौथा सवाल हमारा दिया हुआ है कि एक बटे में आठ, माइनस यहाँ पर हो जाएगा एक बटे में आठ, गुणा जब करते हैं तो ये ऊपर चला जाएगा, मतलब चार बटे में हो जाएगा तीन, और चार से इसको कटा देंगे, चार दुना के आठ, और यहाँ पर देखिए एक में एक का गुणा करेंगे तो माइनस में, क्योंकि माइनस में प्लस का गुणा होगा माइनस हो जाएगा, और दो में तीन का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा छः, तो यही इसका क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा।
अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ 15 बट्टे में कितना दिया हमारे 7, और जब गुणा करेंगे हम लोग तो ये चिन्ह चेंज हो जाएगा, मतलब 7 ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे चिन्ह नहीं मतलब अपोजिट हो जाएगा, चिन्ह तो वैसे ही रहेगा, माइनस का माइनस ही रहेगा, और यहाँ पे 7 बट्टे में कितना हो जाएगा 5, ये 7 से ये 7 कट जाएगा तो यहाँ पर माइनस का 1 बचेगा, माइनस में प्लस का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा माइनस, और 15 में 1 का गुणा होगा तो 15 कम 15 बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा 5, 5 से आप चाहें तो कटा सकती हैं, 5 से 15 तीन बार में, तो माइनस कितना हो जाएगा हमारा 3, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब देखिए चाहे तो हम यहाँ पे भी कटा सकते थे, यहाँ पे भी कटा सकते हैं, कहीं भी कटा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कर लेंगे हम लोग माइनस 7 बटे में कितना दिया 12, और गुणे कर लेंगे जब ये अपोजिट हो जाएगा 3 बटे में कितना हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, 3 से करेंगे 3 कम 3, 3 चौके कितना हो जाएगा हमारा 12, 4 बार में कट जाएगा। अब ये माइनस में 7 का 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 7, और टाइम 4 में 2 का गुणा करेंगे 4 दुना कितना हो जाएगा हमारा 8, और माइनस में प्लस का गुणा करेंगे माइनस, लेकिन माइनस माइनस ऊपर नीचे रहता है कट के क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, इसका मतलब जो इसका आंसर हो जाएगा वो 7 बटे में कितना हो जाएगा 8, और यही इसका क्या हो जाएगा हमारा आंसर।